एज नंबर 79 एग्जांपल नंबर 27 देखिए एग्जांपल 27 में इन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई एट, टेन पाई बाई एट की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब टेन पाई बाई एट का मतलब क्या हो गया कि अगर अगर हम एक काम करें जैसे टेन पाई बाई एट है तो मैं ये जानता हूं कि पाई बाई एट का अगर मैं डबल करूं तो क्या हो जाएगा, अगर पाई बाई एट का मैं डबल कर दूं यानी कि पाई बाई एट को अगर टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो टू वन सा टू और 2 4 सा 8 ये pi by 4 बन जाएगा। pi by 4 का मतलब हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री की वैल्यू मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो tan 2x का फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि let x is equal to इसके सॉल्यूशन में देखिएगा let x is equal to pi by 8 then 2x is equal to 2 into pi by 8 the 2 ones are 2, 2 4s are 8 so 2x ki value kya hogi pi by 4 theek to jaise mere paas x ki value thi pi by 8 isi tarike se 2x ki value hogi pi by 4 theek to tan 2x ka formula laga sakta hu bataiye kya hota hai ये tan 2x का फॉर्मूला होता है। अब x की वैल्यू डाल दीजिए इसमें तो tan 2 into x की जगह pi by 8 is equal to 2 tan pi by 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, जहां जहां पर x है वहां वहां पर पाई बाई 8 डाल दीजिए आप, 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8। अब ये जो मैंने 2x करा है ना तो इससे क्या फायदा हो गया कि ये tan पाई बाई 4 मिल गया और बेटा tan पाई बाई 4 की यानी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। आप सब जानते ही हैं कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो मैं उस चीज का यूज करूंगा यहां पर। देखिए tan pi by 4 मतलब 1 is equal to 2 tan pi by 8। अब एक काम करो यहाँ पर ये कहिए कि let tan pi by 8, ये जो tan pi by 8 है इसको आप मान लो y, इस पूरे टर्म को y मान लो, तो tan pi by 4 तो हो गया 1 is equal to 2 tan pi by 8 की वैल्यू मैंने क्या मान ली y, ये हो गया 2y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8, तो 1 माइनस y स्क्वायर भाई tan स्क्वायर पाई बाई 8 का मतलब होता है tan पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो tan पाई बाई 8 को मैंने माना है y, तो y का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, इसको इधर ले आइए 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, इसको इधर ले आओ माइनस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस वन ले लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब माइनस वन अगर इधर चला गया जीरो अपॉन माइनस वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। देखिए क्या इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करी जा सकती है, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, क्या इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करी जा सकती है? नहीं सर। देख लीजिए कोई ऑप्शन है नहीं, सर वन और वन देख कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये माइनस वन आ रहा है तो इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी। हम एक काम करेंगे, अगर मान लो ये प्लस वन होता तो वाई प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाता, तो पाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है x is equal to
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, याद है सभी बच्चों को? ठीक है, मतलब देखिएगा कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, यहां पर मेरे पास इक्वेशन है y की टर्म्स में, therefore y is equal to b, क्या हो जाएगा जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो b है, तो माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट b, यही तो है टू, तो b का स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए क्या है जो वाई स्क्वायर के साथ, वाई स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो ए हो गया वन, और सी क्या हो गया, ये कॉन्स्टेंट टर्म सी हो गया माइनस वन। सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए अश्वि, प्रियांशु, क्लियर है? यस सर। ठीक है, माइनस टू प्लस माइनस और अंडर रूट के अंदर टू का स्क्वायर हो गया फोर, और माइनस फोर इंटू माइनस वन ये हो गया प्लस फोर अपॉन टू, तो y इज इक्वल टू माइनस टू और प्लस माइनस, ये जो फोर प्लस फोर है ये हो जाएगा अंडर रूट एट अपॉन टू। अच्छा, y को हमने क्या लिया, टेन पाई बाई एट, ये हो गया टेन पाई बाई एट इज इक्वल टू माइनस टू, और अंडर रूट एट को हम क्या बोलेंगे, टू रूट टू अपॉन टू इज इक्वल टू, आप क्या करिए यहां पर टू कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट टू अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, ये आ गया माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट टू, ये आ गई टेन पाई बाई एट की वैल्यू। सभी बच्चों को क्लियर है? सबको समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद में, अब परफेक्टली ये तो इसको मैं आंसर नहीं बोल सकता, क्योंकि पाई बाई एट क्या होता है, पाई बाई फोर होता है हमारे पास, पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री, तो पाई बाई एट क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर का भी आधा, यानी कि 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5, तो हम बोलेंगे सिंस पाई बाई एट इज इक्वल टू 22.5 डिग्रीज lies in the first quadrant, क्योंकि ये first quadrant में lie करता है, therefore tan pi by 8 is equal to positive, tan pi by 8 first quadrant में हमारे सारे trigonometric ratio positive होते हैं, तो इसका मतलब tan जो है वो भी positive होगा, तो अब इसमें मैं क्या बोलूंगा, so tan pi by 8, इसकी वैल्यू क्या क्या निकली थी, एक आई थी माइनस वन माइनस रूट टू, ठीक है भाई, प्लस माइनस था तो एक थी माइनस वन माइनस रूट टू, और एक वैल्यू आई थी माइनस वन प्लस रूट टू। अब आप ये देखिए रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 अंडर रूट टू, अंडर रूट टू और अंडर रूट थ्री की वैल्यू जनरली बच्चों को याद ही रहती है, तो अंडर रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 और अंडर रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732, तो अगर मैं 1.414 में से माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 0.414 बचेगा, 0.414 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो ये एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो tan pi by 8 बिकॉज pi by 8 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो tan pi by 8 पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये नेगेटिव वाली वैल्यू हमारे काम की नहीं है, तो हमने इसको हटा दिया, therefore tan pi by 8 is equal to root 2 minus 1, भाई minus 1 plus root 2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ under root 2 minus 1, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, सभी को क्लियर है? यस। प्रियांशी क्लियर है? चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 28 देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल।
एग्जांपल 28 में मैंने बोला कि tan x इज इक्वल टू 3/4 tan x इज इक्वल टू 3/4 tan x की वैल्यू है 3/4 and x is greater than pi and less than 3π/2 कॉमा करके लिखा है x is greater than pi and less than 3π/2 ये x की वैल्यू है pi और 3π/2 के बीच में लाइक होती है तो ये पूछ रहे हैं find the value of sin x/2 cos x/2 and tan x/2 find sin x/2 cos x/2 and tan x/2 find sin x/2 cos x/2 and tan x/2 ठीक है अच्छा तो अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास tan x की वैल्यू दे रखी है 3/4 तो मैं tan x की हेल्प से सबसे पहले क्या करूंगा हम tan x की हेल्प से sin x और cos x ये दोनों वैल्यूज निकाल लेंगे आप देखिएगा इसमें sin x निकालेंगे और cos x निकालेंगे तो यहां पर दे रखा है tan x इज इक्वल टू 3/4 और tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो लेट परपेंडिकुलर यानी कि p को आप मान लीजिए 3x एंड ये जो बेस है बेस को आप मान लीजिए 3x बट tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 3/4 है तो इसलिए मैंने p को मान लिया 3x और b को मान लिया सॉरी गलत हां 4x और b को मैंने मान लिया 4x ठीक है तो p की वैल्यू हो गई और b की वैल्यू हो गई तो भाई पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 5x ठीक है इतना करने के बाद में इतना करने के बाद में फिर कंडीशन देखेंगे कि इस कंडीशन में दे रखी है कुछ ना कुछ तो उसका भी काम होगा ना कंडीशन क्या दे रखी है कि x is greater than pi and less than 3π/2 ठीक है ये होता है 0 डिग्री ये होता है 90 डिग्री 90 डिग्री को हम क्या बोल देते हैं पाई बाई टू ये होता है 180 डिग्री 180 डिग्री को हम क्या बोल देते हैं पाई ये होता है 270 डिग्री इसको हम क्या बोल देते हैं 3π/2 और ये होता है 360 डिग्री जिसको हम बोल देते हैं 2π अब क्वेश्चन में गिवन है कि x is greater than pi and less than 3π/2 x pi से बड़ा है और इंक्रीज कहां पर होते हैं एंगल ऐसे होते हैं 0 से π/2 इंक्रीज हुआ π/2 से pi तक इंक्रीज हुआ pi से 3π/2 तक इंक्रीज हुआ तो एंगल pi से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है इसका मतलब हम लिखेंगे सिंस x is greater than pi and less than 3π/2 तो सभी को क्लियर है ये चीज x is in third quadrant x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा सबको क्लियर है तो tan x ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और जो sin x है sin x भी नेगेटिव और cos x भी नेगेटिव
साइन एक्स और कॉस एक्स ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है कि एक्स इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3 पाई बाय 2, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स कॉस एक्स दोनों नेगेटिव, ओनली टेन एक्स इज पॉजिटिव। फिर इतना करने के बाद में अब हमारे पास जब साइन एक्स और ये चलिए ठीक है इतना आ गया, तो मैं टेन एक्स मेरे को दे रखा है 3/4, मैं इसकी हेल्प से साइन एक्स निकाल दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस ये तो मेरे पास 3x और 4x था ही, हाइपोटेन्यूज भी आ गया 5x, हम कहेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और इसके आगे नेगेटिव साइन जरूर लगाएंगे, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस परपेंडिकुलर क्या था 3x और हाइपोटेन्यूज क्या था 5x, तो 3x अपॉन 5x, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो sin x is equal to minus 3/5, sin x is equal to minus 3/5, फिर cos x की बात करेंगे तो ये हो जाएगा minus base upon hypotenuse, तो cos x is equal to minus base कितना था, base था 4x और hypotenuse 5x, ये हो गया 4x/5x, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा जो cos x है cos x की वैल्यू आ गई -4/5, यहां तक बताइए यहां तक सबको क्लियर है, दिखाई दे रहा है ना ये कॉर्नर का, यस सर, sin x की वैल्यू आ गई, cos x की वैल्यू आ गई, tan x की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी। अब एक काम और करेंगे, अब एक काम करेंगे इसमें हम, जैसे हमें दे रखा है कि जैसे हमें दे रखा है कि x जो है x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2, ये पूरी की पूरी एक इनइक्वेशन है, इक्वेशन को अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या होगा, हम यहां पर लिखेंगे डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय 2, पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए पाई को 2 से डिवाइड करा पाई बाय 2, x को 2 से डिवाइड करा x by 2 और 3π/2 को 2 से डिवाइड मतलब डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 3π/4, समझ गए, थोड़ा सा और क्लियरली समझने के लिए मैं ये कहूंगा कि x by 2 और पाई की वैल्यू होती है 90 डिग्री, पाई की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो 90/2 कितना हो गया, 90/2 कितना हो गया, सॉरी 180 डिग्री by 2, ये हो गया 90 डिग्री, और 3π/4 का मतलब हो गया कि pi by 4 की वैल्यू 45 होती है, 45 into 3 135 डिग्री, देखिए इसका मतलब जो हमारा x by 2 है, जो x by 2 है वो 90 डिग्री और 135 डिग्री के बीच में लाई करेगा, 90 डिग्री हाँ बताइए सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 डिग्री और 135 डिग्री के बीच में लाई करेगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, मतलब x/2 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 और 135 के बीच में है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहां से मैं ये कहूंगा कि tan x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो sin x by 2 सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ sin वाली टर्म पॉजिटिव होती है, sin x by 2 ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, cos x by 2 ये हो जाएगा नेगेटिव, और tan x by 2 ये हो जाएगा ये भी नेगेटिव, ठीक है, ये पूछ रहे हैं sin x by 2 cos x by 2 और tan x by 2, तो सबसे पहले मैं sin x by 2 निकालने का देखता हूं,
एक फॉर्मूला मालूम है, सिंस 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। देखिए ये फॉर्मूला होता है, कॉस 2x के तीन फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज करा। यहां से क्या पता चलता है कि कॉस के आगे अगर 2x लिखा हुआ है ना, तो 2x का आधा कितना हो गया, 2x का हाफ कितना हो गया x, तो इसका मतलब यहां पर मुझे मिल जाएगा sin स्क्वायर x, मतलब ये जो वैल्यू है ये हाफ मिल जाएगी, मिल जाएगी। जैसे 1 माइनस कॉस 2x 2 sin स्क्वायर x के इक्वल है, अगर मैं इसको बोल दूं 1 माइनस कॉस x, तो x का आधा कितना हो जाएगा x by 2, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x by 2। ये बता दीजिए ये सब बच्चों को क्लियर है? Yes. सभी को क्लियर है? ठीक है, ऐश्वर्या, लक्ष्य? Yes sir, clear है। ठीक है, तो 1 minus cos x is equal to 2 sin square x by 2, ये हो गया, therefore 1 minus cos x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, minus 4 by 5, तो 1 minus minus 4 by 5 is equal to 2 sin square x by 2, 1 minus minus हो जाएगा plus, तो ये हो जाएगा 1 plus 4 upon 5 is equal to 2 sin square x by 2, 2 sin square x by 2, 1 plus 4 by 5, 5 1 is 5, 5 plus 4, 9, 9 upon 5 is equal to 2 sin square x by 2, ये हो गया। तो यहां से sin square x by 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ये हो गया 9/10, और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, देयरफॉर साइन एक्स बाई टू is equal to under root 9/10 plus minus आ गया बाहर। लेकिन मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि sin x by 2 positive होगा, तो मैं सिर्फ positive वाली value लूँगा, plus का under root के बाहर 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 upon under root 10, 3 upon under root 10। तो ये वाली value जो है, ये तो हमारी आ गई sin x upon 2 की। Similarly, जैसे ये formula use करा है, similarly Similarly, 1 plus cos 2x, जैसे 1 minus cos 2x होता है 2 sin square x, 1 plus cos 2x होता है 2 cos square x, 2 cos square x, इसी तरीके से sin 2x से भी निकाल सकते हैं, है बेटा? sin 2x से भी निकाल सकते हैं ना? नहीं समझा नहीं मैं, sin 2x से भी वो कर सकते हैं ना? sin 2x से, हाँ 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 sin 2x का फॉर्मूला sin 2 sin x cos x, उस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, सही कह रहे हैं, ठीक है, और या फिर इससे निकाल सकते, एक ही बात, ये हो जाएगा 1 plus, अगर 1 plus cos x है तो ये हो जाएगा 2 cos square x by 2। अब 1 तो है ही हमारे पास, और cos x की वैल्यू कितनी निकाली थी, cos x की वैल्यू माइनस 4 बाई 5, तो 1 प्लस माइनस 4 बाई 5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x by 2, 2 cos square x by 2, फिर इधर करेंगे इसको,
तो 2 cos square x by 2 2 cos square x by 2 की वैल्यू होगी 5 minus 4 यानी कि 1 upon 5 और cos square x by 2 is equal to 1 upon 10 तो cos x by 2 is equal to plus minus under root 1 upon 10 और cos x by 2 की वैल्यू मैं पहले ही देख चुका हूँ sin x by 2 तो पॉजिटिव था तो इस वजह से मैंने यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ली लेकिन cos x by 2 नेगेटिव है तो मैं इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दूंगा 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और रूट 10 तो रूट 10 ही रहेगा नाउ tan x by 2 is equal to simply हम लिखेंगे sin x by 2 upon cos x by 2 तो sin x by 2 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं प्लस का 3 अपॉन रूट 10 प्लस का 3 अपॉन रूट 10 और cos x by 2 की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन रूट 10 रूट 10 से रूट 10 कट गया प्लस अपॉन माइनस ये हो गया माइनस तो tan x by 2 की वैल्यू आ गई माइनस 3 सभी को क्लियर है यस सर ठीक है अब इसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 29 सर हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते थे पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते थे कि अगर मान लीजिए मैंने sin x by 2 यहां पर निकाल दिया है तो sin x by 2 निकाला तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया इसको 3x बोल देंगे ये हाइपोटेन्यूज हो गया इसको अंडर रूट 10x बोल देंगे और फिर वही बेस निकाल के फिर हम cos x by 2 tan x by 2 निकाल सकते ठीक है बिल्कुल सही आता बस sin का ध्यान रखना था कि मेरा सिर्फ sin पॉजिटिव रहेगा और पाइथागोरस से जब मैं निकालूंगा तो cos के आगे मुझे नेगेटिव साइन का ध्यान रखना और tan के आगे नेगेटिव साइन जो हमारा cos है और tan है ये दोनों नेगेटिव आने चाहिए सही है समझ गए यस सर ठीक है समक्ष क्लियर है यस सर ठीक है एकांश समझ में आ रहा होगा इतना एकांश क्लियर है नहीं सर नहीं है समझ में हाँ कौन सी चीज नहीं आई बताओ कुछ भी नहीं आया कुछ भी नहीं आया भाई फॉर्मूले हैं या फॉर्मूले मैंने भेजे थे आपने लर्न नहीं करा हमने ये कहा क्या चीज बताओ बताओ मैं बोल रहा था सर मैंने जो आपने दो शीट भेजी थी मैंने पहली वाली याद करी थी फिर अभी भूल गया थोड़ा एक बार दोबारा बोलो समझ में नहीं आया सर मैं बोल रहा था कि जो आपने शीट भेजी थी वो मैंने याद करी थी फर्स्ट शीट लेकिन फिर अभी भूल गया अच्छा चलिए ठीक है कोशिश करिए मैं काम करता हूँ कल आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ अपने डाउट्स तैयार रखना मॉर्निंग में फ्री हो ना हाँ सर ठीक है तो कल आप फ्री रहना सुबह लगभग 10 या 11 बजे के करीब ठीक है मैं एक बार कॉल कर लूंगा हाँ चलिए जी एग्जांपल नंबर 29 देखते हैं इसमें है एग्जांपल 29 में है प्रूव दैट that cos square x plus cos square x plus pi by 3 cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3 cos square x minus pi by 3 ये पूरा का पूरा जो टर्म है cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3 is equal to 3 upon 2 ये चीज प्रूव करनी अब देखो अगर मान लीजिए मेरे पास सिंपली ऐसा होता कि cos x plus pi by 3
प्लस कॉस एक्स माइनस पाई बाई थ्री, मतलब ये स्क्वायर वाली टर्म ना होती, जो स्क्वायर वाली टर्म ना होती तो मैं बड़े आराम से कर सकता था इसको कि हमारे पास कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो मैं कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकता था, यहाँ भी लगा सकता था, और उसमें मुझे एक चीज दिखाई भी दे रही थी कि यहाँ पर अगर स्क्वायर नहीं होता तो कॉस सी, सी मेरे पास है एक्स प्लस पाई बाई थ्री और डी है एक्स माइनस पाई बाई थ्री, तो जब सी प्लस डी बाई टू करता तो पाई बाई थ्री से माइनस पाई बाई थ्री कट जाता, जब सी माइनस डी बाई टू करता तो एक्स से एक्स कट जाता, तो कुछ चीजें सिंप्लीफाई होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो मेरे पास cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो cos स्क्वायर वाली टर्म है इसको मैं cos 2x वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि स्क्वायर वाली टर्म हट जाए, तो हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला चूंकि मेरे पास कोई होता नहीं है इस वजह से मैं इसको मल्टीपल वाले फॉर्मूले में यानी कि cos 2x वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा। देखो क्या करेंगे उसमें, इसमें ऐसा है इसमें क्या करेंगे कि 1 प्लस सिंस 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है, तो cos स्क्वायर x इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ठीक है, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, मतलब जो यहां पर एंगल है x इसका डबल हो गया 1 प्लस cos 2x, तो इससे फायदा क्या होगा कि स्क्वायर वाली टर्म हट गई, जो स्क्वायर आ रहा था ना सब में लिखा हुआ वो हट गया, तो जैसे cos स्क्वायर x है तो इसमें मैं ये फार्मूला लगा दूंगा तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा, इसी तरह से cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 में जब ये फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 * x प्लस पाई बाई 3 अपॉन 2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस, अब जैसे cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 लेकर चल रहे हैं तो इसमें भी स्क्वायर हट जाएगा और ये जो x प्लस पाई बाई 3 है इसका डबल हो जाएगा, स्क्वायर हट के यहाँ पर इसका डबल हुआ था ना, देखो x का डबल हो गया था 2x हो गया था, तो अब x प्लस पाई बाई 3 का डबल हो जाएगा 1 प्लस सॉरी 1 प्लस cos 2 इंटू x प्लस पाई बाई 3 अपॉन 2 प्लस, इसी तरह से यहां पर भी cos स्क्वायर है तो यहां पर भी हो जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 3 और अपॉन 2। ये बताइए अभी मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया है एकांश, ये वाला क्लियर है अभी तक, है ना, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाया मैंने, तो कॉस स्क्वायर वाली टर्म को मैंने स्क्वायर हटाना चाहा तो ये फॉर्मूला लग गया। अब देखो ये एक ब्रैकेट प्लस ये दूसरा ब्रैकेट प्लस ये तीसरा ब्रैकेट, तीनों ही ब्रैकेट्स के डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1/2 कॉमन ले लूंगा, तो मैंने यहां से 1/2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अब सिंपली क्या बचा, 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस cos, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 2 * पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई 3, ठीक, फिर प्लस 1 प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3 ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे 1 कितने दिखाई दे रहे हैं, देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 हो गया,
तो बाहर 1 बाई टू ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3 बताइए अब समझ में आ गया। अब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया इसमें कहीं पर भी कोई स्क्वायर वाली टर्म नहीं है और मैं बिल्कुल क्लियरली समझ रहा हूं इसमें कि जैसे ये cos 2x plus 2 pi by 3 है और cos 2x minus 2 pi by 3 है, मैं इसमें इसको c और इसको d मानकर cos c plus cos d का फॉर्मूला लगा दूंगा। यहां तक बता दो एकांश, यहां तक क्लियर है? यहाँ तो क्लियर है ना। मैं cos c plus cos d का फॉर्मूला लगाऊंगा, बताओगे क्या होता है cos c plus cos d? याद नहीं है अभी? यस सर याद नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। cos c plus cos d का फॉर्मूला ये होता है 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, तो ये हो जाएगा 2 cos c plus d by 2 मतलब 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 2x माइनस 2 पाई बाई 3 cos c प्लस b अपॉन 2, पूरे का अपॉन में 2, देखिए cos के अपॉन में नहीं है 2, सिर्फ इसके अपॉन में 2 है, तो प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 ये कैंसिल हो गया। अभी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, फॉर्मूला था 2 cos c प्लस d अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई cos c माइनस d, जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x और ये माइनस माइनस प्लस का 2 पाई बाई 3 अपॉन में 2 और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं इस तरफ आ रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को, और कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे को अगर जरा सा भी डाउट आता है तो ट्रिग्नोमेट्री में मेरे से एक बार, दो बार, तीन बार, दस बार, जितना चाहे आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना किसी भी बच्चे को, खास तौर पर टेंथ से जो बच्चे इलेवंथ में आते हैं वो जनरली अपने आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। तो क्या है कि खास तौर पर जो मैं ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूँ यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप सभी बच्चों को बता देता हूँ, अगर एक बार में, दो बार में, तीन बार में नहीं आता है समझ में तो आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। हम इस टाइम जो पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास का सबसे टफेस्ट पोर्शन है, तो इस वजह से आपकी गलती नहीं है अगर आपको एक बार, दो बार या तीन बार में समझ में नहीं आता, दस बार में भी समझ में नहीं आता तो आपकी फॉल्ट नहीं है इसमें। तो उस चीज को लेकर डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि मेरा तो दिमाग कमजोर है या मेरा तो मैथ्स में मन नहीं लग रहा, मैं मैथ्स कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज सोचकर बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते थे तो हमें भी टफ लगता था, पहली चीज तो ये आती है दिमाग में कि इसके फॉर्मूले कैसे याद करो, अब जैसे तैसे रट्टा मार के फॉर्मूले याद कर भी लिए तो एकदम से दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब मैंने तो आपको बता दिया कि यहाँ पर स्क्वायर वाला था, स्क्वायर वाले को cos 2x वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेना। ठीक, तो एकदम से आपको लगता है कि यार ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया तो मैं किस तरीके से करूंगा, तो आपको बस एक काम करना है, एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को एक एक बार करो और ये कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद मैं आपको आरडी में से भी कुछ होमवर्क भेजूंगा, बताऊंगा आरडी में से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। अगर आपके पास आरडी है तो ठीक है, नहीं है तो मैं उसकी फोटोग्राफ भेजूंगा क्वेश्चन की। तो किसी भी बच्चे को अगर ये लगता है कि मुझे एक बार में नहीं आया समझ में, दो बार में नहीं आया समझ में, तीसरी बार में 100% आएगा। ठीक है, इसके थोड़ा सा इसके ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री वाला, इसके पीछे पढ़ना पड़ता है, इसको आप जितना इससे डरोगे ये उतना डराएगी आपको ट्रिग्नोमेट्री, सारी मैथ्स हो जाएगी 11th क्लास की। आप देखिए आपने रिलेशंस कर लिया, आपने फंक्शंस कर लिया, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिया, मजा आ रहा था तब तक, लेकिन अचानक से ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सताने लगी। तो याद रखना ये सबसे टफ पोर्शन चल रहा है मैथ्स का, जो 11th की मैथ्स है, तो इसमें किसी बच्चे को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। और जिसने इसको दो तीन बार प्रैक्टिस करके अच्छे से कर लिया वो फिर मैथ्स में पूरे साल एंजॉय करेगा, क्योंकि उसके बाद के सारे चैप्टर्स आसान हैं।
परमुटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, जैसे पजल्स होती थी ना, आपने बचपन में कभी पजल्स करी होंगी, वो पजल्स जैसा क्वेश्चन, पजल्स जैसा चैप्टर, बड़ा मजा आता है। ऐसे ही कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन के बाद में कॉम्बिनेशन आता है, वो भी बड़ा अच्छा चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम। फिर इसके बाद में आप ये देखेंगे स्ट्रेट लाइंस, तो ये चैप्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये परेशान करता है। लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो याद रखना आपके ट्वेल्थ का भी आधा काम हो गया। ट्वेल्थ में पूरी कैलकुलस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के सब्स्टिट्यूशन पर ही डिपेंड करती है, बहुत यूज होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर बाई चांस आप लोगों से नहीं भी होता है, मैं कल एकांश की एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, शुरुआत का कुछ पोर्शन है जो मैंने अभी एकांश को कराया नहीं, तो अगर आप में से भी किसी बच्चे को लगता है कि आप लोगों को करना है तो आप लोग तैयार रहना। मैं मॉर्निंग में 11 बजे 10, 11 या 12 के करीब क्लास होगा और मैं ग्रुप पर डालूंगा वो चीज। तो किसी बच्चे को अगर आता है वो रिवाइज करना चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। किसी बच्चे को अगर लगता है कि मुझे तो बिल्कुल नहीं आता तो उसको शर्माने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे बार बार ना पूछना पड़े कि आपको समझ में आया है नहीं आया, आप खुद इनिशिएटिव लेकर मुझे बताएं कि सर ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आई, तो मैं शुरुआत से बताने के लिए तैयार हूँ, बस शर्माना मत इस चीज में। ट्रिग्नोमेट्री आसान चीज नहीं है, मैं पहले ही बता दूं आसान चीज नहीं है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया मैं बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो किसी भी बच्चों को लगता है कि नहीं मेरे को एक बार दोबारा करना है, दोबारा करके शायद मुझे चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, तो आप लोग बड़े आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बता दीजिए सभी बच्चों का स्कूल तो सबके, अच्छा कल तो वैसे भी सैटरडे है, कल तो वैसे भी सैटरडे है तो स्कूल तो सबका ऑफ ही होगा कल का, अभी हॉलीडेज चल रही है। अरे नहीं, हॉलीडेज चल रही है, अरे कुछ ही बच्चों की तो चल रही है छुट्टी है ना, बाकी सबकी थोड़ी चल रही होगी। और नहीं बताओगे तो कॉल कर लूंगा, 11 बजे या 12 बजे रख लेंगे क्लास, 10 बजे का कैंसिल करते हैं, ठीक है ना। बस इतना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन है इसमें क्या है कि जब फॉर्मूले याद नहीं आते, रिकॉल नहीं कर पाते, हम क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली हमारा मन करता है यार बुक को बंद कर फेंक, इसको कुछ नहीं होने वाला मेरे से, तो वो नहीं करने की जरूरत है। बार बार आप रिवाइज करिए, मैंने आपको फॉर्मूलों की शीट भेजी थी, अगर अगर आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री, आप वो फॉर्मूले एक जगह लिख कर बैठो और फिर क्वेश्चन करने बैठो। शुरुआत में आपको लगता है नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देख देख कर करो, आप दूसरी बार करोगे आपसे 100% क्वेश्चन होंगे, आपको कुछ कुछ चीजें याद आने लगेंगी, ठीक है ना। तो करिएगा, तो कल मैं सुबह 10 बजे का नहीं, मैं लगभग 10:30-11 के करीब एक बार फोन कर लूंगा, ठीक है। और मतलब मैं तभी करूंगा जब तुम्हारा फोन नहीं आएगा, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे फोन की वेट करूंगा, और उसके बाद बाकी सभी बच्चे तैयार रहेंगे, मैं मैसेज डाल दूंगा ग्रुप पर, जिस बच्चे को भी करना हो रिविजन वो करने में शुरू से ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है। सो कुछ डाउट्स थे दो क्वेश्चंस में वो पूछ सकते हैं? वो कल मत पूछो मेरे से, वो कल मत पूछो कल, क्योंकि कुछ बच्चे हैं, जैसे अभी लक्ष्य ने अभी ज्वाइन करा था, तो लक्ष्य को भी शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्री की कुछ क्लासेस मिस हो गई थी, एकांश ने अभी करा था, और कुछ बायो वाले बच्चों को भी जरूरत है, तो शुरुआत अभी एक दो क्लासेस में मत पूछना, बाकी बाद में पूछ लेना, ठीक है। सर फोटो सेंड कर दूं क्वेश्चंस की? फोटो सेंड कर दीजिए, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद अब जो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमने करा, तो यहाँ देखिए 3 cos 2x है, तो ये हो गया 1/2 ब्रैकेट में 3 cos 2x + 2 cos, और ये 2x + 2x कितना हो गया 4x, तो आप देखिएगा 2 cos 4x, 2 cos 4x भी है, और फिर सुनिए 2π/3 + 2π/3 कितना हो गया 4π/3 और अपॉन 2, तो cos, एक मिनट, यहाँ पर 2x + 2x 4x अपॉन 2 भी तो था, वही कह रहे थे है ना, ये कह रहे थे क्या? हाँ सर। अच्छा अच्छा, 4π/3 और अपॉन में 2 था, तो ये नीचे 2 आ जाएगा, 2 2's are 4, ऐसे 2 2's are 4, 1/2 ब्रैकेट में 3 + cos 2x
प्लस टू कॉस टू एक्स और कॉस टू पाई बाई थ्री। अभी मैं क्या करने वाला हूं इसमें, इसमें आप क्या करिए, जैसे ये कॉस टू एक्स वाली टर्म आई है ना हमारे पास, तो हम एक काम करते हैं कॉस टू एक्स कॉमन ले लेते हैं, वन अपॉइंट टू थ्री प्लस कॉस टू एक्स मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचेगा वन प्लस टू कॉस टू पाई बाई थ्री, का मतलब क्या हो गया टू पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री कितना होता है सिक्सटी, सिक्सटी इंटू टू कितना हो गया वन ट्वेंटी डिग्री। बताइए जी यहां तक सभी को क्लियर है, एक भी स्टेप में हटको तो बता देना। अश्मी और प्रियांशी तुम बताओ, बिल्कुल चुप बैठे हुए हो, क्लियर है यहां तक? अश्मी प्रियांशी ऑनलाइन हो? अच्छा प्रियांशी का तो रिप्लाई आ गया, अश्मी समझ में आ रहा है? नहीं है शायद, ऑनलाइन नहीं। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। वन अपॉन टू एकांश, ये चीज क्लियर है, 120 डिग्री कैसे हुआ? यस सर। अच्छा अब करेंगे थ्री प्लस कॉस टू एक्स, ये हो गया वन प्लस टू कॉस, मैं 120 डिग्री को क्या बोलूंगा, 120 डिग्री को सॉल्व करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉस 90 इंटू वन प्लस 30 91। सर कॉस 2 इंटू 60 वैसे नहीं कर सकते? कॉस 2 इंटू 60? हाँ सर, कॉस 2 एक्स का फॉर्मूला डालो, कॉस 2 एक्स का फॉर्मूला 1, ठीक है वो भी कर सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, हाँ वो भी कर सकते हो जैसा ठीक लगे। देखिए जी अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 3 प्लस कॉस 2 एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस 2 और 90 इंटू 1 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो हम आ रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस तो हो गया नेगेटिव, पहले तो लगाओ नेगेटिव साइन, फिर 1 है तो 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब इवन ऑड नंबर, ऑड का मतलब कॉस का हो जाएगा साइन और एंगल एज इट इज 30। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 3 प्लस cos 2x और यहां 1 प्लस, अब ये प्लस माइनस तो माइनस बन गया तो माइनस 2 और sin 30 कितना होता है 1 अपॉन 2, खुद देखिए 2 से 2 कट गया तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू cos 2x 0, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 3 बाई 2। बताइए क्लियर सभी को, सब बच्चे समझ गए? यस सर। यस ठीक है, इसके बाद जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 2 ये मैं छोड़ रहा हूँ आप करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या करोगे, जैसे cos x plus cos y का होल स्क्वायर है, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 82 पर आ जाओ। अच्छा एक काम करो, पहले फटाफट इसके क्वेश्चंस पढ़ो, मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं पानी पी रहा हूँ, आप फटाफट इसके क्वेश्चंस पढ़िए पहले और ये बताओ कौन सा क्वेश्चन ऐसा लगता है जो मैं करवाऊंगा यहाँ पर, एक मिनट में सारे क्वेश्चन पढ़कर दिमाग लगा लो कि क्या क्या फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं। Uh-huh.
थर्ड वाला आराम से हो जाएगा। हाँ जी थर्ड वाला हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। और अगर थर्ड वाला हो जाएगा फोर्थ वाला भी बिल्कुल इसी का भाई है, वो भी हो जाएगा। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपको, बस एक सेवंथ करवाता हूँ ठीक है। सेवंथ वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ, वन से लेकर सिक्स तक एक एक बार ट्राई करना आप सब लोग। कहीं पर भी अगर दिखाई देता है, जैसे ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स प्लस साइन सेवन एक्स, जैसे यही है क्वेश्चन नंबर फाइव। हिंट देता हूँ पहले, इसका पूरा नहीं करूंगा, करेंगे आप लोग भी। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव जो है इसमें ये दे रखा है कि साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स, साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स प्लस साइन सेवन एक्स प्लस साइन फाइव एक्स प्लस साइन सेवन एक्स इज इक्वल टू फोर कॉस एक्स कॉस टू एक्स साइन फोर एक्स, फोर कॉस एक्स कॉस टू एक्स साइन फोर एक्स। अभी देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी में इसमें लगाऊंगा, क्योंकि थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स बनेगा एट एक्स और एट एक्स बाई टू हो जाएगा फोर एक्स। ऐसे ही साइन एक्स प्लस साइन सेवन एक्स में इसमें लगाऊंगा, क्योंकि एक्स प्लस सेवन एक्स बनेगा एट एक्स और एट एक्स अपॉन टू हो जाएगा फोर एक्स। तो मैं यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दूंगा ठीक है, और यहाँ लगा दूंगा यहाँ पर भी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। वो लगाने के बाद दोनों ही फॉर्मूले में मेरे पास साइन फोर एक्स कॉमन आ जाएगा ठीक है, बल्कि टू साइन फोर एक्स कॉमन आ जाएगा। मैं टू साइन फोर एक्स कॉमन निकालूंगा, फिर जो टर्म्स बचेंगी वो कॉस वाली टर्म्स बचेंगी, उसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना होगा, वो सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा एक्स और टू एक्स। छोड़ दू कर लेंगे? Yes. कर लेंगे। तो बस टर्म्स की चॉइस इंपॉर्टेंट रहती है इसमें, कि हम ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर 7x है, तो मैं जानता हूँ कि x plus 7x कितना हो गया 8x, यहाँ पर 3x है यहाँ पर 5x है, तो 3x plus 5x ये भी 8x हो गया। तो मेरे लिए अच्छा ये है कि मैं ऐसी ऐसी टर्म्स लूँ जिसमें कम से कम एक टर्म कॉमन आती हुई मुझे दिखाई दे, कि 3x plus 5x 8x और 8x upon 2 4x हो जाएगा, तो sin 4x और sin 4x वाली टर्म्स कॉमन आएंगी। सभी को क्लियर है ठीक है? आगे बढ़े, मैं फिफ्थ क्वेश्चन में बस इतना ही हिंट देकर छोड़ रहा हूँ, आगे आगे जो है इसको कंप्लीट आप करना। अब मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रियांशु समझ में आ रहा है? प्रियांशु यस सर ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं जरा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन सेवन एक्स प्लस साइन फाइव एक्स, सेवन एक्स प्लस साइन फाइव एक्स प्लस साइन नाइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन नाइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स, साइन सेवन एक्स प्लस साइन फाइव एक्स प्लस साइन नाइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस सेवन एक्स प्लस कॉस फाइव एक्स प्लस कॉस नाइन एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स, कॉस नाइन एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स इज इक्वल टू, इस पूरे को
tan 6x के इक्वल मुझे प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेकर चलेंगे तो आप ये देखिएगा, यहां मुझे दिखाई दे रहा है साइन 7x प्लस साइन 5x, तो मैं इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा साइन c प्लस साइन d, क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2, यानी कि 7x प्लस 5x बाई 2, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, यानी कि 7x minus 5x by 2। ठीक है, और प्लस अब इसमें मैं cos sin c plus sin d, तो ये हो जाएगा 2 sin 9x plus 3x by 2 multiply by cos 9x minus 3x by 2। यहां तक क्लियर है एकांश? Yes, ना sin c plus sin d का फॉर्मूला इसमें और sin c plus sin d का फॉर्मूला इसमें लगा है, बस ये कर रहा है। अच्छा, और अपॉन में अब डिनोमिनेटर, तो यहां पर cos c plus cos d का फॉर्मूला लगाओ, तो 2 cos c plus d by 2 मतलब 7x प्लस 5x by 2 इंटू cos c माइनस d by 2 मतलब 7x माइनस 5x by 2 प्लस cos c प्लस cos d यहां पर लगाओ, तो 2 cos c प्लस d by 2 मतलब 9x प्लस 3x by 2 मल्टीप्लाई बाय cos 9x minus 3x by 2। अब सिंप्लीफाई करना है, देखिए यहां से मैं ये बोलूंगा कि sin 7x plus 5x 12x, 12x upon 2 कितना हो गया 6x, तो 2 sin 6x मल्टीप्लाई बाय cos 7x minus 5x हो गया 2x, 2x upon 2 हो गया x, तो cos x प्लस साइन 9 प्लस 3 12, 12 अपॉन 2 6, तो 2 साइन 6x मल्टीप्लाई बाय कॉस 9 माइनस 3 हो गया 4, 4 अपॉन 2 कितना हो गया 2, तो कॉस 2x। अब और 2 कॉस 7x प्लस 5x अपॉन 2, यानी कि 2 कॉस 6x मल्टीप्लाई बाय 7x माइनस 5x कितना हो गया 2x, 2x अपॉन 2x ये हो गया cos x, प्लस 2 माइनस प्लस 3x कितना हो गया 12x, 12x अपॉन 2 6x, तो 2 cos 6x मल्टीप्लाई बाय 9x माइनस 3x कितना हो गया, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया, 9x माइनस 3x होगा 6x, 6x अपॉन 2 3x, तो 3x आएगा ऊपर भी और नीचे, तो cos 3x, अब न्यूमरेटर में देखो 2 sin 6x कॉमन आ रहा है, मैंने 2 sin 6x न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा कॉमन, जब लिया तो cos x plus cos 3x, डिनोमिनेटर में मैंने 2 cos 6x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा cos x plus cos 3x। देखो ये ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट गया, 2 से 2 कट गया, sin 6x upon cos 6x कितना हो गया tan 6x is equal to rx, हो गया प्रूफ, सभी को समझ में आ गया? Yes। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मैं बताता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में है sin 3x plus sin 2x minus sin x, prove that sin 3x plus sin 2x
माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू फोर साइन एक्स कॉस एक्स बाई टू कॉस थ्री एक्स बाई टू फोर साइन एक्स कॉस एक्स बाई टू कॉस थ्री एक्स बाई टू ये करना है। अब देखिएगा इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा तो साइन थ्री एक्स है और साइन एक्स है इन दोनों को मैं साथ ले लूंगा। रीजन क्या है? रीजन समझिएगा कि जैसे साइन थ्री एक्स है और साइन एक्स है इसमें ऐसा हो जाएगा कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो जब सी प्लस डी बाई टू करेंगे टू कॉस सी प्लस डी बाई टू वो थ्री एक्स प्लस एक्स यानी कि फोर एक्स अपॉन टू टू एक्स हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर साइन टू एक्स है ठीक है बात नहीं बनेगी लेकिन करते हैं आगे देखते हैं फिर टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू यानी कि थ्री एक्स माइनस एक्स बाई टू तो थ्री एक्स माइनस एक्स बाई टू कितना हो जाएगा थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स टू एक्स अपॉन टू हो जाएगा एक्स और साइन टू एक्स को मैं फॉर्मूला लगाकर लिख सकता हूँ टू साइन एक्स कॉस एक्स तो उसमें से साइन एक्स कॉमन निकल सकता है। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं पहला और तीसरा टर्म साथ में लेकर चल रहा हूँ ठीक है। हमने क्या करा साइन थ्री एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस का साइन टू एक्स ये बिल्कुल अलग लिख दीजिए तो साइन सी माइनस साइन डी ये फॉर्मूला हो गया टू कॉस सी प्लस डी बाय टू मल्टीप्लाई बाई साइन c माइनस डी बाई टू थ्री एक्स माइनस एक्स बाई टू और प्लस साइन टू एक्स फिर ये हो जाएगा हमारे पास टू कॉस थ्री एक्स प्लस एक्स कितना हो गया फोर एक्स अपॉन टू मतलब टू एक्स थ्री एक्स माइनस एक्स कितना हो गया टू एक्स अपॉन टू कितना हो गया साइन एक्स प्लस ये जैसे साइन टू एक्स है इसका फॉर्मूला लगा दूंगा टू साइन एक्स कॉस एक्स मैं लिखूंगा टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए टू साइन एक्स इसमें भी आ रहा है टू साइन एक्स इसमें भी आ रहा है कॉमन ले लो तो टू साइन एक्स तो ले लिया मैंने कॉमन ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस टू एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मेरे पास कुछ नहीं है ये दो टर्म्स हैं तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू ये हो गया टू साइन एक्स और टू कॉस सी प्लस डी बाई टू मतलब टू एक्स प्लस एक्स बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू टू एक्स माइनस एक्स बाई टू ये हो गया। तो टू को तो बाहर निकाल लो टू टू सा हो गया फोर तो ये हो जाएगा फोर साइन एक्स और टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स बाई टू कॉस थ्री एक्स बाई टू फिर टू एक्स माइनस एक्स यानी कि एक्स और कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू आर एच एस यही तो प्रूव करना था मुझे समझ गए बताइए जी समझ में आ गया yes. ठीक है। अब इसी तरीके से जो मैंने एग्जांपल नंबर 28 करा था जो अगले तीनों क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 ये बिल्कुल सेम एग्जांपल नंबर 28 की तरह है तो आपको ये पूरा का पूरा करना है। मैंने आपको इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करवाया है तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 छोड़कर बाकी पूरी मिसलेनियस की आपको ये एक्सरसाइज करनी है ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूँ मेरे पास सिर्फ दो या तीन बच्चे ऐसे हैं जो मेरे को होमवर्क भेज रहे हैं होमवर्क कुछ बच्चे भेज नहीं रहे हैं तो प्लीज होमवर्क करके भेजिएगा ठीक है। मेरे को होमवर्क चाहिए सभी बच्चों का ठीक तो कल तक आप मेरे को होमवर्क भेजेंगे मिसलेनियस आपको इसकी पूरी कंप्लीट करनी है और बेहद आसान है। अभी मैंने इसके ट्रिग्नोमेट्री के बहुत टफ वाले क्वेश्चन तो आप लोगों को दिए ही नहीं है तो पहले ये मिसलेनियस आप करके दिखाइए उसके बाद फिर मैं आपको मार्क कर करके आरडी के क्वेश्चन भेजूंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करने ही करने हैं ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बाकी नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी और उससे पहले आप मुझे कल तक डेफिनेटली ये जो होमवर्क है तो बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं है एक घंटे में हो जाएगा बैठोगे तो ये करके आप मेरे को भेजेंगे ठीक है। मैं वेट करूंगा हर बच्चे के पर्सनल मैसेज का कि आपने किया या नहीं करा जिस क्वेश्चन में डाउट आया वो लिख देना मेरे को कि ये क्वेश्चन मेरे से हुआ नहीं है बाकी करके भेजेंगे
ओके ठीक है ओके थैंक यू सर ओके थैंक यू सर ओके